नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी आज पुनः आपके समक्ष महाराष्ट्र पुलिस दल से संबंधित एक विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र मुंबई व थाने के कुछ हाईली कंट्रोवर्शियल वेल नोन अधिकारियों की मुंबई और थाने से अन्यत्र बदली की गई, जिनमें प्रमुख नाम हैं दया नाइक, राजकुमार पुतमिरे, नितिन ठाकरे, नंदकुमार गोपाले, सुधीर दलवी, केदारी पवार और सचिन कदम। इस बदली के चलते कुछ पत्रकार बंधुओं का यह कहना है कि ये जो अधिकारी थे, ये या तो देवेंद्र भारती के नजदीक के हैं या परमवीर के नजदीक के हैं, इसलिए इनकी बदली हुई। लेकिन यह नहीं कहने की उनकी हिम्मत नहीं कि देवेंद्र भारती क्या है और परमवीर क्या है और वे इनसे किस तरह के काम लिया करते थे। देवेंद्र भारती के बारे में स्पष्ट रूप से तत्कालीन पुलिस आयुक्त बर्वे ने इन्हें मुंबई नहीं, मुंबई के रहवासियों और मुंबई पुलिस दल के लिए या महाराष्ट्र पुलिस दल के लिए घातक हैं, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की और ऐसा रिपोर्ट सादर किया, और उनके ये अधिकारी हैं। आगे ये भी बताना चाहता हूं कि उस समय डर्टी डजन के नाम से अधिकारी फेमस थे, क्योंकि जहां भी देवेंद्र भारती जाते हैं वहीं ये इनके साथ में घूमते रहते हैं। एक यूनियन जैसा बनाया है, एक गुट जैसा बना हुआ, एक गैंग बनी हुई है, जिसके चलते जब देवेंद्र भारती एटीएस में गए तो इन्होंने डायरेक्ट उस समय के जायसवाल जी, सुबोध जायसवाल जी, जो देवेंद्र भारती के खास आदमी हैं, वो डीजी थे, तो उनके उनसे डायरेक्ट अप्लीकेशन करके, माने सीपी मुंबई के मार्फत ना भेजते हुए डायरेक्ट अप्लीकेशन करके उन्होंने बदली करा के ली, जिसका विरोध उस समय के सीपी श्री संजय बर्वे जी ने ऑब्जेक्शन लिया था और उन लोगों को 1 या 2 ईयर इंक्रीमेंट स्टॉपेज के पनिशमेंट क्यों ना किया जैसे कारण बताओ नोटिस दे दी। परंतु उनके रिटायरमेंट के बाद परमवीर सिंह जी आए, जो कि देवेंद्र भारती जी के एकदम खास हैं, उन्होंने वो सारी नोटिसें न जाने कहां दबा के रख दी और प्रकरण को खत्म कर दिया। मेरा ये कहना है, अगर जो संजय बर्वे जी की रिपोर्ट सही है तो जायसवाल और परमवीर और वो 12 अधिकारियों पे डर्टी डजन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर उनकी रिपोर्ट सही नहीं, परमवीर की रिपोर्ट सही है, तो संजय बर्वे जी पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा एक तरफा बोल के एक तरफा करके नहीं चलेगा। चलो ठीक है, इन लोगों के बारे में जो बातें हुई जो हुई हुई, अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये लोग बदली हुए, इनकी कुछ पार्श्वभूमि कहीं आपने तलाशी है या बस जो आया मन में बोल दिया। नंद कुमार गोपाले जी को जब मालूम पड़ गया पहले से कि उनकी बदली होने वाली है, तो उन्होंने मीडिया का सहारा लिया। एक सीनियर जर्नलिस्ट ने न जाने किस बेस पर सर्टिफिकेट दिया और उन्होंने मीडिया में कहा कि नंद कुमार गोपाले जी ऐसा उत्कृष्ट पुलिस अधिकारी मुंबई पुलिस में नहीं है। भाई, किस आधार पर आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं? अरे, अधिकार दिया किसने आपको? वो आपके मित्र हैं, ठीक है, चाय नाश्ता करो, बैठो, बातचीत करो, इट्स ओके। जबकि आप जानते हो आईपीएल के अंदर में हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल अधिकारी ये रहे, फिर भी नहीं, आपको आपके मित्र हैं, आप देना, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में मैं आता हूं नितिन ठाकरे के बारे में। नितिन ठाकरे जी के बारे में, उनकी जो बदली हुई इस बार, तो उनका वीडियो जो सोशल मीडिया में आजकल बहुत चर्चा में और दिखाई दे रहा है, उसके अंदर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है उनका प्रशासकीय कारण से, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से बदली नहीं हुई है। वो कहीं बड़े सम्मान के साथ कारगिल के युद्ध में भेजे जा रहे हैं या कारगिल से युद्ध जीत कर आया, उनका मान सम्मान इतनी तेज से हो रहा, और उसका वो वीडियो निकालते हैं और सोशल मीडिया में प्रसारित करते हैं। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल अधिकारी हैं, उनके बारे में आर्थिक गुने शाखा महाराष्ट्र राज्य, उन्होंने अपने आउटवर्ड नंबर 484 MTC 2020 डेटेड 3/3/2020 के पत्र अनुसार
उनके उसमें किए गए भ्रष्टाचार की चौकसी और उन पर कार्रवाई हो, केस दूसरे को देने के लिए कहा गया या केस और कोई नहीं, क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा केस है। लेकिन उस समय के तत्कालीन पुलिस आयुक्त श्री फंसलकर जी ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसे दबा दिया। अरे भाई थाना में है, उन्हें नहीं बम्बई इतना 100 तो 50 का तो टारगेट उन्हें भी पूरा करना है, तो कार्रवाई कैसे कर सकते। फिर उस बाद में बात आती कोतमेरे की, उसके बारे में तत्कालीन डीजी ने रिपोर्ट भेजा, उसको भी फणसलकर साहब ने दबा दिया। भाई टारगेट पूरा करना है और टारगेट तो इन्हीं लोगों से पूरा होगा। अब उसके बाद हम आते हैं दया नायक जी के बारे में। इनके बारे में तो जितना न कहा जाए उतना अच्छा है या उतना कम है। इनके ऊपर जब एंटी करप्शन की कार्रवाई हुई तो उनके आयो डीएन भोग ने रिमांड रिपोर्ट में उनके उड़पी के बाजू पुत्तूर में एक साइबर कैफे से उन्होंने जो ट्रांजैक्शन किया है उसका उल्लेख किया है। और वही डीएन भोग बाद में दया नायक जी को क्लीन चिट देने के लिए उस समय के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी से भिड़ गए थे, काफी उलझ गए थे। हुआ क्या बाद में इनकी बदली हुई जिसका पूरा फायदा दया नायक जी को मिला। उसके बाद में दया नायक जी की बदली जब हुई आउट ऑफ बॉम्बे, वो गए नहीं, एक लंबे दीर्घ कालावधि तक उन्होंने सीख रिपोर्ट किया और शासन को डराने में कामयाब रहे। शासन ने उनकी बदली फिर मुंबई में की। उसके बाद हाल फिलहाल में उनको जब प्रमोशन दिया गया, प्रमोशन के तहत उनको नागपुर संवर्ग में भेजा गया। यहां इस बारे में बोलने के पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये वही दया नायक है जिनके ऊपर, इनको प्रमोशन के बारे में बताऊंगा, इनको प्रमोशन कैसे मिला। 1999 में एफआईआर नंबर 526/1999, सीएनआर नंबर MHMM 18000342012 के तहत 32वें कोर्ट में इनके अगेंस्ट में चार्जशीट एक्सटॉर्शन के कलमों के तहत कलम है 300, 384, 385, 386, 387, 388 और 213 और 34 IPC। ऐसी गंभीर कलमों के तहत इनके ऊपर चार्जशीट सबमिट होने के बाद, अब यहां गौर करने की बात यह कि 1999 में इनके ऊपर केस दाखिल हुआ था और DCP CID ने इनके ऊपर 2012 में चार्जशीट, यानी टोटल 13 साल के कालावधि के बाद में चार्जशीट दाखिल किया। और 2012 में चार्जशीट दाखिल होने के बाद आज 2021 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई सम्मस, नॉन बिलेबल वारंट। और यह होते हुए भी एक आरोपी को आप प्रमोशन दे रहे हैं, प्रमोशन के बाद वो नागपुर संवर्ग में जाता है, वहां पर भी वो अटेंड नहीं करता है। श्रीमती रश्मि शुक्ला के मुबैल भाई राजू भाई उर्फ RD उस समय के CM साहब के घर में बैठकर उसका ऑर्डर कैंसिल कराते हैं। और कहा जाता है कि उनके पास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है जिसका तपास वही कर सकते हैं, यानी मुंबई पुलिस के अंदर में दूसरा कोई ऑफिसर कॉम्पिटेंट नहीं, चाहे वो PI हो, PSI हो, API हो, एडिशनल CPO, CPO, DCPO, ज्वाइंट CPO, CPO, दूसरा कोई नहीं कर सकता उनके सिवा। और उसके बाद में जैसे देवेंद्र भारती की ATS में बदली होती, महीने भर में ये यहां से उठ के ATS चले जाते हैं, तो कौन सी केस थी, उसका क्या हुआ, कोई पता नहीं। और जो आदमी खंडनी का आरोपी है, खंडनी का केस जिस पर दाखिल है, चार्जशीटेड है, वह आदमी, वह व्यक्ति, वह अधिकारी ATS में जाके बैठता है, उसको ATS में बैठाया जाता है। धन्य महाराष्ट्र पुलिस, धन्य है शासन प्रशासन। और हमारे उनके पत्रकार मित्र बोलते हैं कि नहीं बस, अरे किया गया बदली उनको भाई। इस तरह से नहीं चलता है। फिर आगे आपको बताता हूं, अभी मेरे इसके बाद में आपको मैं एक वीडियो क्लिपिंग आपके इसमें अपने डालने वाला, थोड़ा वीडियो
ज्यादा समय आ जाएगा, लेकिन ध्यान से देखिए, उसके अंदर कोई अधिकारी या कोई एक व्यक्ति है जो खबरी लोगों की पार्टी कर रहा है और उनसे कुछ कट्टे मंगवा रहा है यूपी या बिहार से, उनको यहाँ पे केस दिखाना है तो यूपी बिहार से किसी को भी फंसा के उससे कट्टे मंगवाए जाएंगे यहाँ पे। उसमें जो खबरी है उनका नाम अकबर और मंजूर, ये लोग ड्रग्स के अंदर बंद, उनके ऊपर केसेस भी हुए हैं और ड्रग्स की कार्रवाई भी कुछ हुई है। और ये पुलिस फोर्स को जब कट्टे की केस करनी होती है और इन अधिकारियों को अपने आईपीएस को खुश करना होता है, पब्लिक में एक आई वॉश करना होता है, तो इन खबरियों को पकड़कर वे यूपी और बिहार से कट्टे मंगवाते हैं और वो कट्टे कैरियर जो रहता है उसको 10-5 हज़ार रुपये मिलता है, सिर्फ आने जाने का खर्चा, उसको नहीं मालूम रहता क्या जा रहा है। और वो कट्टे लेके जैसे उतरता है स्टेशन पे, वीटी स्टेशन, लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे, उसको हमारे अधिकारी जाके वहाँ पकड़ लेते हैं, उस पर केस बनाते हैं एक दो कट्टे कर, बाकी कट्टे दूसरे लोगों पर केस बनाने के लिए रख लेते हैं। इस तरह के केस कर रहे हो, इनको आप अधिकारी बोल रहे हो कि बेस्ट अधिकारी हैं? अब वीडियो में देखिए वही अकबर बाद में क्या कहता है कि छोड़िए कट्टे की बात छोड़ो, दया नायक जी का ड्रग्स का कंसाइनमेंट उसे बेचने के लिए दया नायक के एक खबरी ने लाके 15 ग्राम ड्रग्स उनको दिया है और कहा कि इसको बेच, जो उनका बड़ा कंसाइनमेंट वो बेच के दिखाओ। यह वो खबरी अकबर कह रहा है। इस बात में कहां तक सच्चाई है, इसकी तह तक जाकर तहकीकात होना जरूरी है। सोशल मीडिया में कैसेट जब घूम रहा है तो आपने अकबर को या दयानाय को बुला के क्यों नहीं इसके बारे में पूछताछ की? हो सकता है सच हो, परंतु इस चीज को आप दबा क्यों रहे हैं? और ऐसे अधिकारी को उनके मित्र रिपोर्टर एक बड़ा बहुत बड़ा हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे किसी ने तो कार्रवाई की, आज दिन तक किसी में हिम्मत थी इन लोगों पर कार्रवाई करने की? क्या सच बोलना गुनाह है? और वो सिर्फ इसलिए गुनाह किया, वो आपका मित्र है, सच नहीं बोल सकते तो ना बोलिए, लेकिन गलत का साथ ना दीजिए। कृपा, यही मुझे मेरी आपसे विनंती है, हमें और सचिन वाजे नहीं पैदा करना है, और सचिन वाजे पालना पोसना नहीं है। समय रहता इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, आपको चाहिए था इन पर कार्रवाई की डिमांड करते। खैर कोई बात नहीं, मैं यही अपने दोस्त अपने शब्दों को विराम देता हूं और आपसे विनंती है कि ये वीडियो देखिए, और शासन प्रशासन से विनंती है कि इस वीडियो के तह तक जाकर सत्य बाहर लाइए कि कहीं ये सत्य तो नहीं है, और अगर सत्य है तो त्वरित कार्रवाई करिए। मैं किसी एक के सपोर्ट में अपोज में नहीं बोल रहा हूं, मैं महाराष्ट्र पुलिस और पुलिस मुंबई पुलिस की छवि जो मलिन की जा रही है, हो रही है, उसके बारे में यहां पे चर्चा कर रहा हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरे को 15 ग्राम माल सिंपल दिया, क्या कुकिंग 1 किलो बेचने गया, नहीं गया मलाड, सिंपल लिया 15 ग्राम, 1 किलो का डील कर लेगा, वहीं से फोन लगाया था वो सही सही सर, ऐसा क्या गया वो नहीं बोला, ऐसे ऐसा नाम आपने क्या डायरेक्ट दिया, मेरे को अकबर तो उसको फोन किया, उसके बाकी चुप अकबर ही मिला देखा तो माल खुद ही लेने का खुद ही पकड़ा बोला, भाई सिंपल तो रिटर्न बोल रहा है, वो माल का रिटर्न होता है, नहीं दिया खुद ही रोड खाजा दे रहा, खुद ही इतना खाजा दे के पूछूंगा।